तो फ्रेंड फाइनली आपका भाई आ चुका है अब हमारा आरपी पैलेस जो हमारा होटल है उसके एसी रूम में। तो फ्रेंड ये देखिए ये हमारा एसी रूम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी मोटा गद्देदार हमें बेड दिखा, एक टॉवेल दिखा है, दो यहाँ पर आपका पिलो वगैरह रखा हुआ है, दो से तीन आदमी आराम से रह सकते हैं, बड़ा टेलीविज़न है, ठीक है। यहाँ पर डोर वगैरह है, कुछ सामान वगैरह रखना है आपको, दो यहाँ बैठने के लिए है, मिरर हो गया, एसी हो गया और साथ ही साथ अटैच बाथरूम हो गया, बहुत ही नीट एंड क्लीन वेस्टर्न बाथरूम है, नहाने धोने का है, गीजर है और अपना जो भी होता है बाथरूम में वो सारी फैसिलिटी है, टाइल्स पैल्स लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल, फिर से स्वागत है, खैर मकदम है एक और बढ़िया सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर कहाँ से। तो फ्रेंड मैं बता दूँ कि आपको मैंने पिछली बार ना जब मैंने चैनल का शुरुआत किया था ना फ्रेंड, तो शुरू में ना एक आपको वीडियो दिया था कहाँ से, या हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ना उस वीडियो को देख के आए होंगे। जी हाँ, जस्ट हमारे सामने ना पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन है और पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के जस्ट मैं सामने हूँ। मैंने पिछले साल यहाँ का ना एक होटल दिखलाया था, देश प्रेमी होटल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर डोमेट्री भी है, नॉन एसी भी है, एसी भी है, ठीक है। तो उस मैंने सिर्फ एक ही वीडियो आपको दिया था, इसलिए फाइनली फ्रेंड अब दो तीन वीडियो ना पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन से तीन चार होटल का मैं वीडियो और देने जा रहा हूँ। इसी सीरीज़ का फ्रेंड हमारा इस साल का 2024 का जो मैं पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ ना फ्रेंड होटल में, ये हमारे सामने आप देख सकते हैं ना होटल आरपी पैलेस है और कुछ इस तरीके का है। मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ डोमेट्री तो नहीं मिलेगा लेकिन नॉन एसी रूम, ठीक है, और एसी रूम सब मिल जाएगा, कपल फ्रेंडली भी है, फैमिली होटल भी है, तो मतलब मिला जुला कर सब कुछ है, सिर्फ डोमेट्री छोड़ के, और ज़्यादा दूर है नहीं, बस रेलवे स्टेशन से जैसे ही बस नीचे उतरिए दो मिनट में आप हमारे जो रेस्टोरेंट या आरपी पैलेस होटल है, ठीक है ना, अभी रेस्टोरेंट तो बंद है लेकिन इसमें होटल है, अभी रूम अगर आपको मिल जाएगा तो चलिए आपको चलते हैं अंदर और आपको हम पूरा दिखाएंगे कैसा क्या है। चलिए तो फ्रेंड फाइनली हम लोग ना आ चुके हैं अंदर अपने रिसेप्शन काउंटर में, और हमारा कुछ रिसेप्शन काउंटर है ना कुछ इस तरीके का दिखता है फ्रेंड। यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर जो भी डिमांड होगा वो आपको फुलफ़िल करना है, और साथ ही साथ चेकआउट टाइम हमारे आरपी पैलेस का ना 11 AM है, और यहाँ पर लिखा हुआ है आउटसाइड फूड नॉट अलाउड, बट आप फूड ला सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर नो रिफंड एंड नो कैंसिलेशन लिखा हुआ है। चेक इन टाइम 12 बजे का है और चेकआउट टाइम सुबह 11 बजे का है, ठीक है। तो हम चलेंगे अंदर, आपको पूरा दिखाएंगे, यहाँ सिटिंग एरिया है और चलते हैं आपको ऊपर, और नॉन एसी एसी रूम सब दिखाएंगे फ्रेंड। और प्राइस की बात करूँ तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ सिंगल बेड लिखा हुआ है लेकिन इसमें डबल आदमी रह सकते हैं 800 में, डिलक्स डबल बेड एसी रूम जो अगर सेम डे चेकआउट करते हैं तो 1000 है, और डबल बेड एसी रूम जो है ना वो 1200 है, एक्स्ट्रा पर्सन बढ़ते हैं तो आपको 300 लगेगा एक्स्ट्रा पर्सन, लेकिन इन्होंने कहा है ये जो मैंने प्राइस बताया ना इसमें आपको डिस्काउंट भी हो जाएगा, आप कहेंगे कि यूट्यूब का वीडियो देख के आए हैं ना तो आपको काउंटर पे डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। हम चलते हैं, पहले आपको नॉन एसी दिखाएंगे फिर एसी दिखाएंगे, चलिए। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने पहले रूम में, नॉन एसी रूम में, और देखिए ये हमारा नॉन एसी रूम है ना फ्रेंड, कुछ इस तरीके का दिख रहा है फ्रेंड। लिखा हुआ था सिंगल बेड लेकिन दो आदमी एकदम आराम से आप रह जाइएगा, कोई तरह दिक्कत नहीं होगा। एक ब्लैंकेट मिल जाएगा आपको, बड़ा टेलीविज़न मिल जाएगा, मिरर है, साथ ही साथ अलमीरा वगैरह है, और अटैच बाथरूम है, यहाँ पे वेस्टर्न बाथरूम लगा हुआ है, अटैच शॉवर वगैरह सब कुछ है, फ्रेश एयर भी आप खोल कर ले सकते हैं। और जस्ट देखिए हमारा सामने पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस रेलवे स्टेशन के सामने ही है। बेड की बात करूँ तो बेड भी बिल्कुल ही सॉफ्ट है, फैन वगैरह का कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। तो ये रहा हमारा नॉन एसी, इसका चार्ज है 800 रुपया, और जो कपल्स हैं उनके लिए भी 800 है, कपल्स को कोई डिस्काउंट नहीं होगा, चाहे आप 800 में एसी ले लीजिए या नॉन एसी ले लीजिए 800 में, ठीक है, और सेम डे आपको चेकआउट करना है कपल्स के लिए। फैमिली के लिए यह 800 है, कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा, है ना, और ये आपको नेक्स्ट डे तक के लिए है, जिस वक्त तक आइएगा नेक्स्ट डे 11 o'clock 11 बजे दिन में आपको चेकआउट करना है। चलिए बाबा आपको दिखाते हैं एसी वाला। तो फ्रेंड फाइनली आपका भाई आ चुका है अब हमारा आरपी पैलेस जो हमारा होटल है उसके एसी रूम में। तो फ्रेंड ये देखिए ये हमारा एसी रूम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी मोटा गद्देदार हमें बेड दिखा, एक टॉवेल दिखा है, दो यहाँ पर आपका पिलो वगैरह रखा हुआ है, दो से तीन आदमी आराम से रह सकते हैं, बट तीन आदमी होंगे तो 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। ऐसे यहाँ पे ना सेम डे चेकआउट करेंगे एसी रूम में का, दिन भर के लिए लेते हैं तो 1000 है, और दिन भर एंड 24 आवर के लिए लेते हैं तो आपको इसके लिए पे करना होगा 1200, जहाँ तक होगा कुछ डिस्काउंट भी मेरे नाम पे आपको हो जाएगा। बड़ा टेलीविज़न है, ठीक है,
यहाँ पे डोर वगैरह है, कुछ सामान वगैरह रखना है आपको, दो यहाँ बैठने के लिए है, मिरर हो गया, एसी हो गया और साथ ही साथ अटैच बाथरूम हो गया। बहुत ही नीट एंड क्लीन वेस्टर्न बाथरूम है, नहाने धोने का है, गीजर है और अपना जो भी होता है बाथरूम में वो सारी फैसिलिटी है। टाइल्स पैलिस लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन है। अगर साफ़ सफाई ना हो तो कर्मचारी हमेशा रहता है यहाँ पर, उनको बोलिएगा, साफ़ सफाई वाले कर्मी हमेशा रहते हैं, उनको बोलिएगा, वो आगे अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया रेट है रूम के हिसाब से, बेड के हिसाब से यह काफ़ी बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा। सामने जस्ट आप देख सकते हैं, अगर आपको टहलना है ना तो यहाँ पे बालकोनी भी है, आप यहाँ पर टहल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हमारा बालकोनी एरिया हो गया, जस्ट रेलवे स्टेशन सामने है, ठीक है। आप यहाँ टहल भी सकते हैं, सुबह में स्टेशन से निकलिए और यहाँ आ जाइए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज भी देख रहे तो फॉलो कीजिए। अभी 2-3 होटल का और आएगा पाटलिपुत्रा से, है ना, तो वो भी आप देखिएगा वीडियो। चलिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपका भाई से करना वीडियो पूरे इंडिया से लाता रहता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।